दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 325 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 224 मरीज ठीक हुए हैं। अच्छी बात है कि मौत किसी की नहीं हुई है। दिल्ली में कोविड के सक्रिय मामले 915 हैं। बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 299 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण दर एक सप्ताह में 0.5% से बढ़कर 2.70% हो गई है। गुरुवार को दिल्ली में निजी स्कूल के एक शिक्षक और एक छात्र कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद दोनों को घर भेज दिया गया है। एहतियात के तौर पर स्कूल के सभी छात्रों को घर भेज दिया गया है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद से दिल्ली और आसपास के कई स्कूलों में कोविड के मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।